दिखा खबर का असर, जला लिया कोविड शमशान घाट का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है उनके दाह संस्कार के लिए जला लिया यमुना के किनारे शमशान घाट बनाया गया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध भी किया था और हमारे द्वारा प्रमुखता से खबर चलाई गई थी, जिसके बाद विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने आसपास के लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों से सुझाव भी लिए। स्थानीय लोगों ने शमशान घाट के आसपास क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की मांग उठाई, साथ ही पीपीई किट, मृतक के कपड़े और अन्य सामान इधर उधर फेंकने की शिकायत विधायक से की, जिस पर मुन्ना सिंह चौहान ने लोगों को समाधान का भरोसा दिया कि निस्तारण के लिए शीघ्र ही कोविड के नोडल अधिकारी, तहसील, पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक बुलाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाएगा। विधायक ने कहा कि आसपास के लोगों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखना यह है कि आखिर समस्या का समाधान कितने दिन में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं डीसीटी न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, वो इसलिए धन्यवाद, जब आप हमारे क्षेत्र में आपने कवरेज किया और आपने हमारे इस परेशानी को आपने उजागर किया अपने न्यूज के माध्यम से, तो इस न्यूज का कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा असर पड़ा और क्षेत्र के विधायक हमारे अंबाड़ी ग्राम पंचायत में आए और आकर उन्हें बहुत सारी चीजें हम लोगों से, हमारे गांव वालों से, हमारे पंचायत वालों से उन्होंने रखी थी ये बात कि हमने जो अपनी बातें रखी कि आने वाले टाइम पे क्या था कि इस क्षेत्र में जितने भी यहाँ पर कोविड के जो दाह संस्कार हो रहे थे, कहीं ना कहीं पर उनकी जो सरकार की जो गाइडलाइनें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो विधायक जी आए और विधायक जी के समक्ष हमने ये बातें सारी रखी और विधायक जी ने हमें बहुत सारी जो है कि संवेदनाएं दी कि ये कहा गया कि आपकी जो जो परेशानियां हैं हम उसको पूरी तरह से देखेंगे कि आने वाले समय में प्रॉपर लकड़ियां वहां पर होंगी और पूरे तरह से उसको सैनिटाइज किया जाएगा और जितने भी पीपी किट जो दाए माए बिखर रखे थे उन्होंने खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसी चीजें हो रही थी कि जो पीपी किट वगैरह थे उसको जलाया नहीं जा रहा था। तो जैसे अभी क्षेत्रीय विधायक जो निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तो क्या जो दाह संस्कार वहाँ पे हो रहे थे क्या अब भी होंगे या नहीं? अभी तो विधायक जी ने हमें पूरी जो है कि वो दिया है कि उन्होंने कहा कि आगे से ये चीजें नहीं हो पाएंगी क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र के बाकी सारे हमारे पास स्टैंड मीटिंग में थे, आज दिन की बात है, आज दिन में विधायक जी हमारे क्षेत्र में आए थे अंबाड़ी ग्राम पंचायत में, तो उन्होंने कहा कि आगे से ये चीजें नहीं हो पाएंगी। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीजें हो रही थी लेकिन आगे से ये चीजें नहीं होंगी और ये मैं सारा श्रेय आपको देता हूँ, आपके न्यूज चैनल को देता हूँ कि आपके खबर ने जो ये चीजें की है और इसमें जो है कि विधायक जी आए और उन्होंने हमें पूरी पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आने वाले समय में जो परेशानी आपके पंचायत में हो रही है, जो लकड़ी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, पीपी किट नहीं जल पा रहा है, ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद जो है कि उन्होंने ये भी कहा कि आपको पूरी तरह से इसको सैनिटाइज भी हम लोग कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप